हेलो दोस्तों मेरा नाम रईसुद्दीन सैफी गोल्डन हाइड्रोलिक इंडस्ट्रीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है आइए जानते हैं सीमेंट कंक्रीट हार्डनर के बारे में टाइल हार्डनर पेपर ब्लॉक हार्डनर आखिर होता है क्या है कहां पर यूज़ किया जाता है इसके बारे में आज बात करने वाले हैं इंटरलॉकिंग टाइल हार्डनर जो होता है वो जब इंटरलॉकिंग या पेपर ब्लॉक जब हम मैनुफेक्चरिंग करते हैं उसमें जो कंक्रीट का माल हम मिक्स करते हैं उसके अंदर हम इस एडमिक्चर को ऐड किया जाता है पानी के साथ मिक्स करके उसमें डाल दिया जाता है ताकि वो माल अच्छे से मिक्स हो सके और उसको हम मोल्ड्स के अंदर भर सकें अब बात करते हैं हम इसका यूज़ क्या है कि क्यों डाला जाता है आखिर ये ठीक है क्या बेनिफिट्स हैं इसके आ, सबसे पहले मैं इसकी जो बात करने जा रहा हूँ जो एडमिक्चर होता है जब आप कंक्रीट का माल जब कंक्रीट मसाला जब आप मिक्स करते हैं उसमें जो है आ, 100 ग्राम 200 ग्राम जो केमिकल्स के हिसाब से जो आता है उसको पानी मिक्स करके कंक्रीट के अंदर डाल दिया जाता है उससे होता है क्या है कि जब वो अच्छे से मिक्स हो जाता है जब हम मिक्स होने के बाद में कंक्रीट के मोल्ड के अंदर जब हम इसको फिल करते हैं मोल्ड के अंदर फिल कर दिया हमने और वाइब्रेट कर दिया उसको सुखाने के लिए रख दिया इसका जो मेन काम होता है वो होता है जो सीमेंट के अंदर जो पानी होता है जो वाटर होता है उसको जल्दी सुखाने का ताकि टाइल जो है डिमोल्ट जल्दी हो सके अगर हम इसके अंदर केमिकल नहीं डालेंगे तो 48 घंटे में भी टाइल जो है मोल्ड डिमोल्ट नहीं होगी फरमे में से टाइल नहीं निकलेगी केमिकल डालते हैं ताकि जो है पानी उसका जल्दी से सूख जाए और अर्ली स्ट्रेंथ उसकी हमें मिल जाए जो टाइम होता है वो जल्दी रिड्यूस करने के लिए इसका जो बेनिफिट है अब मैं इसकी बेनिफिट की बात करता हूँ इसके बेनिफिट जो है एक तो पानी जल्दी सुखाता है ठीक है इसको पानी जल्दी सुखा दिया शाइन एक्स्ट्रा देगा इसमें जो है शाइनिंग मिलेगी आपको टाइल्स के अंदर चमक मिलेगी आपका जो है कलर की जो टोन आएगी जो कलर वाला माल बनाते हैं जो लाल पीला नीला काला हरा जो भी आप टाइल्स बनाते हैं उसके जो ऊपर जो चमक आनी चाहिए वो बहुत अच्छी आती है इसको डालने से आपकी जो चमक आएगी वो बहुत बेहतर आएगी कई बार क्या होता है लोकल केमिकल मार्केट से ले लिया जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि कोने जो कॉर्नर होते हैं टाइल्स के वो टू ब्रेक हो जाते हैं कॉर्नर अच्छे नहीं आ पाते आ, टाइल्स ब्रेक हो जाती हैं क्रैक हो जाती हैं उसके लिए हमारे पास जो केमिकल है आप उसको अगर डालते हैं तो आपके कोने ब्रेक नहीं होंगे ठीक है आपकी जो है जो क्रैक हैं वो ख़त्म हो जाएगा दूसरी चीज़ जिसके अंदर जो आएगी वो होती है जो आपने जो मोल्ड की जो लाइफ होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी जब भी आप इस केमिकल को इस्तेमाल करेंगे टाइल हार्डनर को इस्तेमाल करेंगे मोल्ड की जो लाइफ होती है अगर आपका मोल्ड एक साल या दो साल एक साल चलने वाला है तो वो ऑबियस दो साल चलेगा दो साल चलने वाला मोल्ड आपका तीन साल चलेगा इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं अब जब इसको जो हमने इसके अंदर जब केमिकल यूज़ कर लिया टाइल बना ली टाइल बनाने के बाद हमने जब इसमें से निकाली इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि इसमें से जो शाइनिंग निकल के आती है इसमें आपको लेकर की रिक्वायरमेंट नहीं होती ठीक है आपको पॉलिश पौ की ज़रूरत नहीं है जब आप इसमें से देखेंगे आप हमारी इस वीडियो के साथ में भी देख सकते हैं कि जो शाइनिंग है वो आपकी किस तरह की आ रही है बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर जो शाइनिंग आती है ठीक है और इसकी जो कलर टोन है वो इंक्रीज़ हो जाती है इस हमारे केमिकल को यूज़ करके आपकी जो कलर टोन है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी अब आप बात करते हैं कि ये केमिकल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरलॉकिंग टाइल मेकिंग मशीन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं इंटरलॉकिंग टाइल मेकिंग में पेवर ब्लॉक बना सकते हैं कर्ब स्टोन बना सकते हैं चेकर टाइल्स में यूज़ कर सकते हैं साथ के साथ होलो ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं फ्लाइस ब्रिक जो आजकल फ्लाइस ब्रिक होती है जो मकानों में यूज़ की जाती है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं आर एम सी रेडी मिक्स कंक्रीट जो होती है जो प्लांट्स होते हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है ये काफ़ी जगह पर इसका जो है यूज़ होता है अब ये जाना किस किस नाम से जाना जाता है इसकी मैं बात करता हूँ ये जो है कई लोग इसको बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट हार्डनर कई लोग इसको बोलते हैं टाइल हार्डनर कई लोग इसको बोलते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर, और एक जगह कई जगह बोलते हैं इसको पेवर ब्लॉक हार्डनर ठीक है कंक्रीट एडमिक्सचर ये सब अलग अलग जगह के अलग अलग नाम हैं ये होती एक ही चीज़ है लेकिन जो है अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है इसके यूसीज मैंने आपको बता दिए ठीक है इसकी क्वालिटी के बारे में जो है आ, मैं आपको बता चुका हूँ